ओके सो स्टार्ट करते हैं राइट आज हॉलीडे uh, मना रहे हैं लोग आई थिंक ज्यादा से ज्यादा तो फिफ्टी परसेंट अभी अवेलेबल नहीं है ओके okay. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ सर्वर विच इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज़ ओके आई थिंक इस सर्विस से सभी लोग अवेले अवेयर होंगे about uh, active directory domain service and all so what is active directory domain service and what is the use of active directory domain service first today uh, let me add some uh, chapter objective like what we are going to learn in the active directory domain services very bada chapter hai, but uh, we will try to learn एज मच एज पॉसिबल राइट सो देर आर मल्टीपल थिंग्स ओके सो यू कैन लर्न मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स तो अगर हम लोग एक एक्टिव डायरेक्टरी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेस दिस इज द मेन चैप्टर ऑफ आर सर्वर ट्रेनिंग ओके तो ये हमारा मेन चैप्टर है और आई थिंक सर्वर ट्रेनिंग का ये चैप्टर अगर आपने सक्सेसफुली कवर किया तो आप बहुत अच्छे से सर्वर पर काम कर पाएंगे कितने लोग सर्वर uh, लेवल पर वर्किंग है कितने लोग हैं सर्वर पर वर्किंग सो so, आप मैनेज करते हो अभी ओके। yes, okay. और कोई ये काफी बड़ा चैप्टर है मुझे नहीं पता कितने घंटे लगेंगे इसमें कितने दिन लगेंगे। बट ये आपका समझो कि आप हार्ट ऑफ कोर्स पढ़ने जा रहे हो दिस इज द मेन चैप्टर ऑफ योर सर्वर ट्रेनिंग ओके इसके बाद सारे चैप्टर आसान लगेंगे इसी के साथ हमें अगर अच्छे से समझ में आ गया मीन्स दिस इज सेंट्रल लाइक uh, सर्वर like, uh, जो कि सारी अदर सर्विसेस इसी रोल के साथ या इसी पर्टिकुलर uh, रोल के साथ डिपेंडेंट होती हैं बाकी विदाउट एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेज वी कैन वी कैन मैनेज मल्टीपल्स ऑफ सर्विसेज मल्टीपल्स ऑफ रोल एंड फीचर इन सर्वर इकोसिस्टम बट एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेज प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ओके फ्रॉम अ सिंगल डैशबोर्ड यू कैन मैनेज यूजर्स ग्रुप्स कंप्यूटर्स एंड मल्टीपल्स अदर रिसोर्सिस नेटवर्क तो हम लोग इसमें आ, इन सारी चीज़ों को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लाइक एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेस का आ, एक एजेंडा यहाँ पर डिस्कस करूँ आपसे लाइक like, एजेंडा तो क्या इसमें आएगा या क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पर एड करेंगे तो एजेंडा इज क्लियर इन एक्टिव डायरेक्ट डोमेन सर्विसेस ओके तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा वॉट इज वॉट इज थोड़ा सा आप लोग अब सोकर नहीं पढ़ेंगे है ना वीडियोज वगैरह लाइव रखेंगे बीच में और बहुत सारी चीजें हम इधर से ऑन कर सकते हैं किसी का भी एंड दूसरी चीज थोड़ा सा पेन पेपर वर्क भी आपको स्टार्ट करना है अदरवाइज मल्टीपल्स टॉपिक या कॉन्सेप्ट आप मिस कर दोगे है ना अगर एक लाइन में लिखूंगा तो उस पर दस बीस मिनट में बोलूंगा तो आप चीजें मिस कर दो उससे बेटर है कि आप अलर्ट मोड में है ना बिल्कुल जैसे स्टडी टेबल होता है उस पर आप रखकर अपना सारा काम करेंगे और जो भी पॉइंट्स okay, हैं वो टू द पॉइंट आप नोट करते जाएंगे राइट ओके okay, सर सब कुछ नोट नहीं करना है मैं ये शॉर्ट नोट जो बनाऊंगा आपको शेयर करूंगा बट during explanation or in theory I'll explain multiple of concept right multiples of concept to jo ki aapko हमें भी लगे कि अच्छा ये point बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे add हुआ तो वो चीज़ आप वहाँ पर एक sort या roughly work करते जाओ हैनसन जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना सबको पता है ट्रेनिंग कैसे लेते हैं सबको पता है राइट right? तो मैं उसमें क्या ही ज्यादा बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर होने वाला है व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इन शॉर्ट एक्टिव डायरेक्टरी वी कैन ऐड एडीडीएस ओके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेकंड पॉइंट इज द डिफरेंस और द की फीचर की फीचर्स ऑफ एक्टिव डायरेक्ट्री ओके एक्टिव डायरेक्ट्री के की फीचर्स क्या है एंड लाइक डोमेन ट्री क्या होता है एंड डोमेन फॉरेस्ट क्या है ये भी यहाँ पर आ जाता है वॉट इज डोमेन ट्री वट अबाउट डोमेन फॉरेस्ट एंड ऑलरेडी हमें एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है इससे पहले हम कर सकते थे बट डोमेन कंट्रोलर ओके देर आर मेनी मेनी मल्टीपल कंट्रोलर सो सीओ एन टी आर ओ एल एल तो बोलते लिखते हुए कुछ स्पेलिंग का अगर वो हो, तो मैनेज करेंगे अनदर थिंग देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर है ना यहाँ पर आप क्या कर सकते हो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर हम लोग ऐड कर सकते हैं जैसे Uh, like uh, we can learn about dc server we can learn about uh, cdc server we can manage additional domain controller and uh, like rodc so these are the domain controllers okay next uh, we will learn how to are like uh, एक्टिव डायरेक्ट्री इंस्टॉलेशन विथ या जस्ट लाइक इसी को हम लोग बोल सकते हैं लाइक इंफ्रा प्लानिंग ओके तो हम लोग यहाँ से इंफ्रा uh, प्लानिंग पूरे मैं चैप्टर के साथ स्टार्टिंग से ही बताऊंगा सो इंफ्रा प्लानिंग मीन्स ये एक काफी एक्सपीरियंस पर्सन करता है कंपनी के अंदर और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इफ़ यू हैव फाइव और सिक्स ईयर एक्सपीरियंस और मोर देन फोर फाइव ईयर एक्सपीरियंस देन यू कैन मैनेज इंफ्रा प्लानिंग ओके इंफ्रा प्लानिंग यू कैन स्टार्ट विथ वेंडर सपोर्ट और एडमिन टीम और एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम के अकेले मतलब सिंगल पर्सन कांट प्लान एनी एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ओके जैसे कि एक बड़ी इमारत बनानी है बड़ी बिल्डिंग बनानी है जहां पर पचास फ्लोर का पूरा वो है सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मैनेज अ पर्टिकुलर इंजीनियर एक कोई इंजीनियर अगर सारी चीजें प्लान कर पाए तो काफी हाईली एक्सपीरियंस चाहिए होगा अब आपको आइडिया लगा होगा है ना सो so, ये एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत होती है इंफ्रा प्लानिंग के लिए एक टॉप लेवल की प्लानिंग करने के लिए राइट But if you want to install two or three server, or if you want to manage one site with another, another, another one site, so you can manage with uh, limited infra planning. Okay. One site, another co site, another co-site. I say those sites manage karne, so it is very easy. And as a fresher, you can plan infrastructure, uh, you can plan devices, services, role feature for organization, right? तो स्मॉल लेवल पर बहुत आसान है स्मॉल मतलब पर्टिकुलर वन टू थ्री सर्वर के साथ आप जा सकते हो बट इन डेटा सेंटर आपको समझने में महीनों लग जाते हैं कि एक डेटा सेंटर या गूगल के एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में बिठा दिया जाए या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर आ, उनकी दस दस बीस बीस ब्रांचेज कनेक्टेड हैं हेड ऑफिस से कहीं आ, दस ब्रांचेज कनेक्टेड हैं और आपको अपनी ब्रांच के लिए सर्वर मैनेज करना है वो भी ये देखना है कि हमें Uh, हमारा अथॉरिटी या पर्टिकुलर हमारा टोपोलॉजी क्या है हर एक पर्टिकुलर जब हम काम करते हैं कहीं पर भी तो एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी क्रिएट किया जाता है आपने भी देखा होगा आपकी कंपनी में है ना जब भी आप काम करते हो लाइक टोपोलॉजी फॉर नेटवर्क रैक्स तो मैं जस्ट आपको अगर नहीं कभी काम किया आप लोगों ने तो भी ये काफी हेल्प करेगा फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देख रहे हो ना एक नेटवर्क रैक डिजाइन करने के लिए सारी टोपोलॉजी टोपोलॉजी आप लोगों ने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा तो अगर मान लिया कि हमारे पास एक इस तरीके का है टॉप रैक टॉप ऑफ रैक नेटवर्क कनेक्टिविटी सो टॉप ऑफ रैक स्विच सर्वर मल्टीपल सॉफ्टिंग है एग्रीगेशन स्विचेस वगैरह है एंड अनदर पर कुछ सर्वर्स वगैरह हैं तो ये जब इस साइट पर जाएंगे तो इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन किया होगा कुछ प्लानिंग किया होगा तो हर जगह पर एक टपोलॉजी होती है ये एक सेंटर आप किसी भी कंपनी का जब सर्वर रूम होगा वहां पर तो उसकी एक टपोलॉजी डिजाइन होगी कि क्या चीज कैसे कनेक्टिविटी ऐसे देख कर आप सब चीज डिसाइड नहीं कर पाओगे एंड ओनली सिंगल इंजीनियर वहां नहीं काम करता है मल्टीपल्स कैंडिडेट होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जब सर्वर रूम में जाए तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है कौन सी केबल कहाँ जा रही है जैसे एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर आप भले ही डिजाइन की हो बट आपको उतना आइडिया नहीं रहता आप मैप देखते हो हर गली या हर पर्टिकुलर गैलरी के अंदर या हर जगह पर एक रास्ता का आइकन बना होता है कि ये बाहर जाने के लिए है ये अंदर जाने के लिए, जाने के लिए इस लोकेशन पर जाएगा जहाँ दस बीस फ्लोर का अगर बिल्डिंग और ये सारी चीज है ना तो ये सारी चीजें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और एक टोपोलॉजी uh, क्रिएट किया जाता है सो so, ये ये काम एक टॉप लेवल एडमिन टीम करती है एज अ फ्रेशर एज अ टू और थ्री एक्सपीरियंस के कैंडिडेट को या आ, नहीं दिया जाता ये काम मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से तो सभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं बट आप में से क्या किसी ने इस लेवल का काम किया है कि पूरा का पूरा इंफ्रा आप देख रहे हो देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक रोल मैनेज कर रहे हो और ये सारी चीजें लाइक चार पांच दस ब्रांचेज हैं वहां पर पंद्रह बीस सर्वर लगे हैं पूरा कौन सा सर्वर लगाना है कौन सा आर्किटेक्चर डिजाइन करना है कौन सा रैक लगाना है ये सारी चीजें yes, कौन sir. देख आप देख रहे हो यस सर ठीक है थोड़ा सा एड ऑन करिए जैसे कि क्या सारी चीजें हैं जो आप मैनेज कर रहे हैं जैसे कि एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आप गाइड करेंगे और कोई है क्या एक हो गए और कोई है पहले सर वी मैनेज ऑन एडब्ल्यूएस साइड एडब्ल्यूएस ऑन साइड वी हैव द सर्वर होस्टेड एंड वी हैव वी पी वीपीसीज ओके सिक्योरिटी ग्रुप्स बाय दैट वे एक्सेस द सर्वर सर वी प्लान्स द सर्वर अकॉर्डिंगली

जितना पॉसिबल हो सकता है मैं एड ऑन करूंगा तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया दीजिए सबको थोड़ा सा वो लगे सर थोड़ा लंबा चलेगा प्रॉब्लम नहीं है ना कोई नहीं आप स्क्रीन शेयर कर लो अगर आ, नहीं, आ, सिर्फ सिर्फ बातें बोलूंगा आ, okay. तो आ, आ, सो, आ, सी आ, एक नेटवर्क और आईटी आईटी आई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ, सिर्फ टेक्नोलॉजी जानना इम्पोर्टेंट नहीं है आ, आपको बिजनेस भी समझना रहेगा कि कौन सा बिजनेस है क्या बिजनेस है कि, आ, कितने जड़ कितने फास्ट ग्रो हो सकता है ये बिजनेस कहाँ पे स्कोप है हमारा जा रहा है दो right. तो छोटी छोटी चीज अपने को अंडरस्टैंड करना है कोई आके बोलेगा नहीं कि हम लोग ये करने वाले हैं तो वी हैव टू टू लाइक स्मार्ट रिलेटेड पीपल कि क्या हमारा स्कोप है कि आ, आज ये बिल्डिंग है अपना तो ये बिल्डिंग में बीस तो लोग हैं या पचास लोग हैं तो हमारा प्लान है कुछ एक्सपांड करने का कुछ बिल्डिंग में बड़ा हो सकता है इससे राइट पचास से सौ एम्प्लॉय हो सकते हैं हंड्रेड फिफ्टी एम्प्लॉई हो सकते हैं तो वो सब चीज ध्यान में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन या बिल्ड करना है राइट कंपनी ग्रो होती है राइट कंपनी ग्रो होती है मतलब कंपनी का एक ब्रांच सपोज मुंबई में है एंड दे आर ओनली टॉकिंग राइट कि अपने को बिजनेस एक्सपांड करना है शायद चेन्नई में करेंगे बेंगलोर में करेंगे तो okay. वो चीज हमको दिमाग में एडवांस में रखनी है कि देखो हम इंफ्रास्ट्रक्चर इधर लगा रहे हैं बट देर आर चांसेस दैट वी आर गोइंग फैसिलिटी सो बिजनेस दैट यू है कैसा नेटवर्क कनेक्टिविटी करेंगे सर वो आपके बाकी के क्लास है सीसीएन उस, है उसको भी कनेक्ट करता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आता है नॉट ओनली विंडोज

Uh, अगर वेबसाइट चलाना है तो आईआईएस सर्वर का स्पेशलिस्ट रहेगा या इंजीनिंग और लिनक्स का स्पेशलिस्ट रहेगा तो सब uh, सब स, uh, सब लोग साथ में मिलके ये uh, प्लान करते हैं डिजाइन करते हैं राइट सो so, अगर सर आप बोले तो अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या ज्यादा एक क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर सकता हूँ बट दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक प्राइमरी थिंग दैट दैट व्हेन यू आर रेडी टू प्लान और स्टार्ट डिजाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ओके ग्रेट तो कुछ आइडिया uh, लगा आप लोगों को जैसे कि वाइल्ड प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देर आर मल्टीपल कैंडिडेट्स आर टीम ओके और मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंजीनियर जो अलग अलग स्किल के साथ होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया कि एज अ फ्रेशर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी बट यस yes, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप एक अच्छा नॉलेज रख के आप जल्दी या क्विकली ग्रो कर सकते हो और ये पॉइंट सबसे ध्यान में रखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इज नॉट ओनली फॉर टुडे है ना ये हमेशा फ्यूचर स्कोप को या फ्यूचर अपग्रेड को लेकर किया जाता है ये पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा सा यहाँ पर एड ऑन किया कि अगर आप बीस इंप्लाइज के लिए एक बिल्डिंग में या बिल्डिंग ए है उसमें काम कर रहे हो या आज उसके लिए सर्विसेज का मैनेजमेंट कर रहे हो या सर्वर्स लगा रहे हो या सर्विसेज देना स्टार्ट कर रहे हो सो इट इज नॉट अबाउट टुडे, ओके की बस आज आप बीस के लिए प्लान करो फिर अगर कल को हमें कुछ करना है या कल को चालीस एम्प्लॉय होते हैं कंपनी ग्रो एक पॉइंट और इन्होंने एड ऑन किया कि कंपनी ग्रोथ को लेकर हमें काम करना होता है ये कंपनी ग्रो करेगी टाइम टू टाइम या वो प्लानिंग करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम या फिर पर्टिकुलर एडमिन टीम या टॉप टीम ये हमारा एक और ब्रांच होना चाहिए इस लोकेशन पर मुझे बिजनेसेस को स्टार्ट करना है स्केल करना है या कुछ भी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए कि हम आज किस तरीके से टेक्नोलॉजी में या पर्टिकुलर डिवाइसेस में या पर्टिकुलर सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करें अपने बिजनेस का जो भी टारगेट है वो लेकर चलें कि हम आगे अपग्रेड करने से रिलेटेड ऐसा ना रहे कि हमें आज एक सर्वर ऐसा ले लिया जो कि अगर अपग्रेड करना है तो फिर उसमें उतना सर्विस हम ले ही नहीं सकते जस्ट फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सर्वर की बात नहीं होती है बहुत सारी चीजें होती हैं टाइम टू टाइम जरूर इसके बारे में आपको आइडिया लगेगा तो ये सारी चीजें हैं स्टिल अगर और किसी के पास कोई क्वेरी है तो इन्होंने बोला कि अगर कुछ क्वेरी बेस किसी का कुछ वो है तो आप पूछ सकते हो ये उसमें ऐड करेंगे कोई yes, है? Uh, तो यस yes, uh, कहीं पे भी आप जाते हैं तो स्मार्ट क्वेश्चन पूछना है जो भी हमको काम काम देता है हमारा सुपरवाइजर है मैनेजर है बिजनेस डेवलपमेंट राइट बाकी के सारे लोग हम सोशलाइज करते हैं लोगो से बात करते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए कि बिजनेस कहाँ पे जा रहा है क्या करने वाले हैं हम लोग राइट सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आ, बीस लोग हैं तो एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर चलाएंगे बट दो सौ लोग हो तो आ, तो दो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर चाहिए अपने को एक बैकअप भी चाहिए अगर एक एक, एक डायरेक्टरी सर्वर बंद हो गया तो दूसरे का क्या करेंगे राइट सो ऐसे लाइक मल्टीपल साइट है तो the, उस सो आपको कॉन्स्टेंटली सोचते रहना है कि ये होगा तो क्या होगा ये बंद होगा तो क्या होगा राइट ये अवेलेबल नहीं है तो क्या अवेलेबल है राइट uh, हाँ अक्सर ऐसा होता है एक एक बहुत बढ़िया चीज है ये कन्वर्सेशन हमेशा याद रखना आप लोग जैसे कभी ये भी होता है कि हम एज अ फ्रेशर या जब एंट्री करते हैं कंपनी के अंदर तो हम अपनी जॉब को कभी पॉजिटिव नहीं लेते बहुत बहुत बार ऐसा होता है ठीक है आप क्या सोचते हो कि जैसे हमें वैसा को सिस्टम देखो कुछ लोग होते हैं अगर दस इम्प्लॉज हैं सर्वर के साथ जॉब लिए दस में से दो जल्दी ग्रो कर जाते हैं आठ पीछे रह जाते हैं ये किस परपज पर से बता रहा हूँ मैं जस्ट एक एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर रहा करो जो एक सिस्टम कंपनी के अंदर लोग जाकर ऐसा करते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार काम तो मैं सारा करता हूँ आठ बजे मैं आता हूँ जॉब करने या ऑफिस में और छः बजे तक मैं रहता हूँ यह सारी चीज़ें हैं बॉस आता है अपना दो बजे तीन बजे या इंफ्रा टीम आती है चार बजे वो दो घंटे रहती है फिर चली जाती है फिर मतलब ये तमाम तरीके के होते हैं फिर काम तो हम लोग सारा कर रहे हैं सर्वर पे ये काम होता है तो हम मैनेज करते हैं वो प्रॉब्लम होती है तो हम मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें ऐसा आता है ना बहुत सारे लोगों के साथ एज ए एंट्री लेवल पे एज अ लिटिल एक्सपीरियंसिस के साथ ये सब आते हैं कि जैसे कि हमें वो चीज नहीं मिलती काम मैं कर रहा हूँ सर्वर में प्रॉब्लम आई मैंने फिक्स किया बट वो चीजें मुझे अप्रिशिएट करने को नहीं मिला या मुझे लोगों ने नहीं किया ये सारी चीजें और इंफ्रा टीम है उसका उतना काम भी नहीं दो घंटे के लिए बंदा गाड़ी से घूमते हुए आता है और फिर वो चला जाता है या फिर ऐसा और उसकी सैलरी डेढ़ लाख रुपए हमें तीस हजार पर रखा गया है चालीस हजार पर रखा गया है ये सारी चीजें हैं या उसको चार लाख रुपए पर मंथ पर रखा गया है तो तमाम ऐसे क्वेरीज आते हैं आप लोगों के बट एक इंफ्रा टीम जो मेंटली प्रेशर के साथ वर्क करता है ना वो एक घंटे का भी आप संभाल नहीं पाएंगे ये सारी चीजें तो हमेशा अपनी जॉब को पॉजिटिव लेकर करेंगे ऐसा नहीं है कि वो मैनेजर है या पर्टिकुलर वो इस लेवल पर है या सुपरवाइजर है एडमिनिस्ट्रेटर है या, या बॉस है या जो कुछ भी है तो वो बस आता है और चला जाता है आपको नहीं पता कि एक पर्टिकुलर अपर लेयर टीम या अपर लेवल की जो टीम होती है वो किस लेवल की इंफ्रा प्लानिंग है? किस लेवल के चीजों को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या क्या वो कर रही होती है है ना वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके साथ हर चीज डिस्कस या बिजनेस डील वो नहीं कर रहे कर सकते हर चीज आपके साथ वो क्लोजली uh, शेयर नहीं कर सकते कि भाई ये चीज होने जा रहे है सारी चीजें वो आपके काम को सेपरेट करते हैं अपने काम के साथ राइट समझ रहे हैं ना आप लोग सर ये करियर डेवलपमेंट का डिस्कशन है उसके लिए पूरा दिन जाएगा हम लोग बात करने बैठेंगे तो हाँ डेफिनेटली जैसे ये मैंने इसलिए बोला ना जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ एक कन्वर्सेशन हुआ एक सर्वर इंजीनियर का डेढ़ साल से जॉब कर रहे हैं मैं बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन करता हूँ या कुछ ऐसे सपोर्ट में हैं या जुड़े हैं लोग जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है कुछ ऐसा है तो डिस्कस करते हैं कि सर इस तरीके का है कुछ आगे गाइड करें बहुत सारे मतलब हम इस फील्ड में एक बहुत लंबा समय दे चुके हैं तो जिनको जिनको मैंने स्टार्टिंग में करियर में सपोर्ट कर दिया वो आज भी मेरे साथ बहुत ही अच्छे से मतलब हुआ हैं वो आठ साल से काम कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल आज एक अच्छी लेवल पर लेकर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं वो मैं भी उनके साथ कन्वर्सेशन कर लेता अभी रिसेंटली मैंने एक पर्सन से जॉब के लिए वो बोला कि वो पांच छह साल से हैं बट uh, अगले वन एंड हाफ ईयर हो गया जिसमें वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है उनका सेम यही कमिटमेंट था तो मैंने ये सारी चीजें गाइड किया हमने कहा कि ऐसा तो फिर बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये इवन देन हमने भी अपने इको में मैं भी वर्किंग हूं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि इनका काम तो बहुत कम है और uh, मुझे घसीटा जाता है बिल्कुल यही सारा सारा वर्ड और सारी चीजें होती हैं पर सैलरी हमारी कम होती है बिल्कुल इरिटेट रहते हैं अपनी जॉब से लेकर है ना बिल्कुल पेशेंस और मतलब करियर डेवलपमेंट जो इन्होंने बोला या जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर जो करियर ग्रोथ के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ चीजें ओनली एक वर्ड और इन्होंने एड ऑन किया था ओनली टेक्निकल नॉलेज इज नॉट सफिशियंट टू ग्रो इन एनी कंपनी सिर्फ आप जैसे नाइंटी नाइन परसेंट स्कोर गेन करने के बाद भी आप अपना आ, करियर गेन नहीं कर पाओगे आप मतलब कि जो टॉपर होते हैं ना टॉपर हमेशा सक्सेस नहीं होते हैं लिमिटेड टॉपर सक्सेस होते हैं टॉपर जो हुए हाई स्कूल या कहीं पर भी आप उनको देखो उनका आगे का करियर क्या रहा है तो जब उनको चैलेंजेस मिलते हैं ना वो उसको समझ नहीं पाते है सारी चीजें तो उसके लिए एक अलग मेंटल प्रिपरेशन और एक्टिवनेस आपको चाहिए होती है राइट तो बहुत कुछ है आ, डिस्कस करने को ऑफ टॉपिक हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे बट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा तो अपनी जो जॉब आप कर रहे हो जो जो भी आप कर रहे हो अगर एंट्री लेवल का है मिड लेवल का है या फिर टॉप लेवल की इंजीनियरिंग प्रोफाइल पर आप हैं तो हमेशा उसको एक अच्छे प्रायोरिटी पर मींस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को करना और इतना सहज मींस इतना सिंपलिसिटी के साथ उस चीज को कैरी ऑन करना कि देखने वाले या सुपर सुपरवाइजर या सीनियर टीम या इन सारी चीजों को ये लगे कि यस यार ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए और ये सारी चीजें है ना क्योंकि आप इरिटेट होकर करोगे तो भी दस बारह घंटे देने क्योंकि बिना सैलरी के काम नहीं चलेगा हम सभी लोग वर्किंग है मैं चार घंटा छह घंटा क्यों पढ़ाता हूँ या क्यों यहाँ समय दे रहा हूं मुझे जरूरत है अगर नहीं होती या बैठे बैठे सारी चीजें मिल जाती तो फिर क्या ही मतलब है है ना समझ सकते हैं आप लोग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जॉब को एक प्रायोरिटी देकर काम करना हमेशा ये चीज़ देंगे छोटी कंपनी अगर आप नहीं वहां पर जैसे कभी कभी ये भी लगता है मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर दूं जैसे ये लगता है कि यार सर मेरी सैलरी उतनी नहीं है मैं पंद्रह हजार बीस हजार रुपए है या फिर इंडिया में मैं ऐसे लोकेशन पर हूँ जहाँ शहर की सैलरी ही पंद्रह हज़ार से ऊपर नहीं जाती चाहे किसी भी प्रोफाइल पर हो मुझे स्विच करना पड़ेगा तो या तो आप इरिटेट मत हो या तो स्विच कर सकते हो रिस्क ले सकते हो तो रिस्क लेकर स्विच कर लो दो महीने एक महीने आप इधर उधर भटकेंगे आपको जॉब मिल जाएगी इतने सारे ऑप्शन हैं जो कि आपको मिल ही जाएगी अगर आपके पास स्किल आपके पास स्किल नहीं है और आप सोच रहे हो कि मुझे इरिटेट मैं हो रहा हूं यह सारी चीजें तो फिर वहां पर ग्रोथ नहीं होने वाली है ये चीज भी ध्यान देना इस लेवल पर जब आप जाओगे ना तो ये सब मेंटल प्रेशर आपके सामने आएंगे जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या किसी भी एडमिन एसोसिएट लेवल की प्रोफाइल और इन सारी चीजों के लिए जब आप जाएंगे तो मल्टीपल चीजों का एक लाइक like प्लानिंग आपको करके लेकर चलना होता है ओके okay? यस yes, और कोई कुछ एक्सपीरियंस एड ऑन करना चाहता है सर जो चीज आप कह रहे हैं ना जॉब में ऐसा होता है और कोई सोचते हैं हर एक के साथ है जितने है तो सबके साथ है थोड़ा बहुत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मैंने एक चीज सुनी है जैसे अभी हम कोर्स कर रहे हैं क्योंकि हमें इस कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता मेरा फ्रेंड था इस कोर्स के बारे में तो होता क्या है कि जब हम कोर्स कर रहे हैं तो हमें फिर भी कुछ बेसिक पता लग रहा है क्योंकि नॉर्मल कंपनीज में जितने भी पर्सन जिनको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है तो कोई अपनी नॉलेज शेयर नहीं करता आज के सीनियर की बात करें ये हमेशा ध्यान देना कि सीनियर आपको बैठ के पढ़ाएगा नहीं हाँ आपको यहीं से गुण हमें गुण गुण। कुछ बेसिक पता लगेगा। और मैंने एक चीज और देखी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही तो कर लिया आपने लेकिन हमें ऐसा एनवायरमेंट में भी जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहता है कोर्स करने के बाद की इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिले हैंड ऑन एक्सपीरियंस या कुछ डेफिनेटली सो हम लोग किए हुए मैंने सर के साथ अभी फ्यू मंथ्स साथ में हूं एक चीज मैं बोलूंगा जितना डिटेल में सर जा रहे हैं ना अगर आप उतना ही डाइजेस्ट कर लो ना बार कुछ बुक देखने की जरूरत नहीं है कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है जितना सिखाते हैं उतना आप लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं ना कहीं पे भी अच्छे से अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको तो ये सारी चीजें हैं मीन्स प्रिपेयर रहना है हमें हर चीज और हर एक पर्टिकुलर चैलेंज और सारी चीजों को लेकर ओके okay? ये सब है आ, अपने पॉइंट पर थोड़ा सा आते हैं करियर डिस्कशन हम लोग जॉब प्लेसमेंट में थोड़ा सा और करेंगे ठीक है आ, काफी डिटेल्स में जाएंगे उधर अच्छा एक्टिव डायरेक्टरी पर दोबारा से आते हैं कोई और हैं जो एक्सपीरियंस एक और हैं जो शेयर करना चाहते हैं स्टार्टिंग में हुआ था यस तो कैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल अभी मैं मेरे ही बताता हूँ बात अगर आप मैंने लिनक्स पे ज्वाइन किया था पहले ओके वो टाइम पे पोस्ट वगैरह वो मेलिंग मेलिंग मेलिं बाकी बैकअप्स वगैरह बकोला बैकअप्स वगैरह उस बैकअपे काम करता था मैं मेल्स तो उसके ऊपर ही आते थे सब ओके वो थंडरवर्ड हमारा क्लाइंट था ओके तो हम उससे से कॉन्फिगर करते थे लेकिन अभी टाइम टाइम से क्या हुआ वो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम वो थ्री सिक्सटी फाइव भी डाइवर्ट हो जाएंगे अपग्रेड करेंगे तो वो पूरा तो उस का मुझे विंडोज का तो कुछ नॉलेज नहीं था तो पहले भाई देखा, तो हमने पूरा गूगल करके कहा, कहा से वैसे वीडियो देख के हमने वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया तो हमने अभी पूरा माइग्रेशन अभी उस पे चल रहा है ओके तो अभी हमारे पास अभी ब्रांचेस पे अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस है हमारे तो उधर सर्वर्स थे लोकली ओके okay. हर, हर 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 बैंच में हर एक एक डीसी था ताकि वो ऑथेंटिकेट करके सब इंटरनल uh, यूजर्स को ऑथेंटिकेट uh, कर सके और नेट वगैरह मिल सके सबको ओके okay. तो उधर हर जगह फायर भी था फायर एक्सेस पॉइंट्स ऐसे भी थे लेकिन वो फायर वॉल और एक्सेस पॉइंट नेटवर्क टीम देखती है तो हमने अभी क्या किया है वो भी हटा के जो हाँ उधर का जो सर्व सर्वर हटा के फॉर एग्जाम्पल अपना पुणे लोकेशन है मुंबई लोकेशन है ओके एज इन महाराष्ट्र वैसे okay वो अभी अगर हम एडब्ल्यू का हमने सोल्यूशन लिया उसके बाद ओके तो एडब्ल्यू सोल्यूशन लेने के बाद अभी हमारे किसी भी ब्रांच में लोकल डीसी uh, सर्वर है ही नहीं ओके तो वो क्या होता है ऐसे uh, फायर से सेटिंग किया है कि हम इधर लॉग करेंगे तो थ्रू वो तो मुंबई से ऑथेंटिकेट होके हमें ऑथेंटिकेशन मिलेगा तो ऐसे थोड़ा तो ऐसे सिक्योर बनाया है अगर आप right. ऐसे मेल का पासवर्ड जो सेट करेंगे वही पासवर्ड हम अपने लैपटॉप पर चलाते हैं ऐसा पूरा वगैरह सेटअप है तो ऐसा ऐसा है कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी में ज्वाइन हुए हैं अगर आपको अगर कुछ अच्छा कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो अपग्रेड करने में कुछ इश्यू नहीं है अगर मुझे अभी विंडोज का इतना है पता नहीं इसलिए मैं अभी विंडोज को ज्वाइन किया हूँ hmm. तो लेकिन अभी भी ऐसे एनवायरमेंट है कि ओडीसी uh, इज फिर हमारी इधर सिंक सर्वर है ओके व्हाटएवर वी डू द चेंजेस ऑन डीसी इज इट रिफ्लेक्ट टू द ऑथेंटिसिटी बाय वाया सिंक सर्वर ओके राइट सो लाइक अ बिग सेटअप आई वर्क ऑन इट ओके मेलिंग सो दिस रहते शेड मेल बॉक्सेस रहते बहुत कुछ ऐसे ऐसे अगर ऐसा नहीं कि आप विंडोज पे जानो तो विंडोज का ही काम करेंगे अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ आता है तो उसके ऊपर थोड़ा डिक करो okay. गूगल पे जाओ कुछ वीडियोस देखो एक, एक 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 करके आगे जाना पड़ता है अगर ये आप टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे नई नई जो कंपनी में यूज हुए नहीं तो कंपनी में वो बोल देती है कि अभी <laughs> आपके पास टेकनोल... आपके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं हो तो आप देख लो प्रमोशन की जगह डिमोशन भी हो सकता है मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं ऐसे कुछ अगर आप एक, एक तो कोई प्रोजेक्ट आता है अगर वो विजिबल नहीं है फॉर एग्जांपल साइट सर्विस मैनेज करने का डेफिनेटली प्रोजेक्ट अपग्रेड को लेकर कई बार ऐसा होता है ले ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है कंपनी के अंदर है ना प्रोजेक्ट अपग्रेड में अक्सर ऐसा होता है कि आप काम कर रहे होते हो चार साल से आप इंजीनियर हो बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी से निकाल दिया गया जॉब से ये सारी चीजें तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी स्किल वगैरह या किसी भी ऐसी चीजों को अपग्रेड नहीं कर रहे होते हैं एक एक, एक सिस्टम में है बस उसी को देखते रहते हैं एक बिल्कुल कंफर्ट जोन लेकर चलते हैं तो ये चैलेंज हमें कभी आ सकता है रेंडम अगर कंपनी को लगा कि यार बिजनेस ग्रो करनी है कुछ ऐसे टीम के साथ उसने क्लैप किया कि हमारे बिजनेस के लिए ये काफी सपोर्टिव हो सकता है ये पर्टिकुलर को लैब काफी बढ़िया हो सकता है राइट कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट में चल ही रहा है बट ये कर देने से टू एक्स थ्री एक्स और उसका वो हो सकता है तो ऐसा कभी अपग्रेड होता है जैसे अभी आ, इनका थंडर बर्ड या जो भी सारी चीजें ये चल रही थी इन्होंने थ्री में क्यों मूव किया जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ पर्टिकुलर माइनस प्लस और सारी चीजें रही होंगी है ना तो आ, थोड़ा सा उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं कि क्या उधर कुछ ऐसा कमी था जो थ्री सिक्सटी फाइव या इधर मूव होना पड़ा क्योंकि वो भी एक मेल सर्वर है बढ़िया है क्लाइंट और इन सारी चीजों के लिए और थ्री सिक्सटी फाइव और फिर इस जोन में क्यों आए क्योंकि मल्टीपल पैकेजेस मिल जाते हैं या लाइक प्राइसिंग को लेकर मतलब किस पर्टिकुलर उसमें आप मूव हुए क्या आपको आइडिया है इसका कुछ हाँ हमारे पहले यूएस में ये था अपने क्या बोलते दे, हैं डेटा सेंटर ओके और डेटा सेंटर में पूरा हार्डवेयर अपने मेंटेन करना लगता था उसका फिर बहुत बार उसके टनल डाउन की इशू आते थे ओके टनल डाउन हमारे लिनक्स साइड से हमने प्रिपेयर किए थे तो ब्रांच टू ब्रांच ब्रांच टू सर अपना डेटा दे, सेंटर वहां तक तो टनल थे ओके तो वो वैसा वर्किंग होता था लेकिन कुछ प्राइसिंग की वजह से और ग्लोबली भी सब चेंज हो रहे हैं

ओके थैंक यू तो okay. ये सारी चीजें हैं किसी का मैसेज है ग्रुप ग्रो अप माइंडसेट ये अब हम लोग इन सब चीजों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शन और इन सारी चीजों को लेकर ठीक है तो एक जर्नी सभी पर्टिकुलर शेयर करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं जो चैलेंजेस हैं जिनके थ्रू ग्रो मिलती है वो चीज हो जाएगी एग्जैक्टली exactly मैं बता दू अगर ये लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं एक एडमिन लेवल पर काम कर रहे हैं और ये सारा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर अपने सीनियर के साथ आप इतना इजी तरीके से डिस्कशन और चीजें नहीं कर पाएंगे या चीजें समझ नहीं पाएंगे राइट वो सारी चीजें समराइज भी नहीं करने वाला क्योंकि जैसे नहीं होता है कि हर हर एक को अपना नाम कमाना होता है ये सारी चीजें तो ध्यान रखना आप जितना लर्न कर सकते हो अपने ऊपर अपने पर्टिकुलर काम को लेकर या ऑनलाइन या गूगल या जहाँ कहीं से भी है जितना लर्निंग हो सकता है टॉपिक को पकड़ो कोई भी वो है तो एआई से भी पूछ सकते हो छोटी -छोटी तो ऐसा नहीं कि वो रखो। आप खोलो, खोलो, वो दो, है ना वो बता देगा आपको दो लाइन चार लाइन जितना शॉर्ट में लिखना है जिस लैंग्वेज में लिखना है इजी हो जाएगा है ना उधर हम अगर पावर सेल का भी

कोई समय एक्स्ट्रा सेशन लेकर करा दूंगा जो भी प्लगइन्स या कुछ ऐसे होते हैं जिससे आप अगर हमारा चैट जीपीटी या कोई भी एक्स काम नहीं कर रहा है तो हम उसको कैसे इस्तेमाल में ले लेते हैं कैसे करा सकते हैं ठीक है सर दैट वुड बी ग्रेट दैट वुड बी ग्रेट इफ यू गेट गेट सम सम काइंड ऑफ सेशन रिलेटेड टू दैट हां डेफिनेटली मैं इन सब इस पर कई घंटे का सेशन ले दूंगा अगर थोड़ा सा समय मुझे मिला सिलेबस ही इतना वो हो जाता है तो या तो फिर कोई एक्स्ट्रा समय वो कर लेंगे लाइक सैटरडे संडे कुछ ऐसा या कभी दिन में जब फ्री रहेंगे सभी लोग तो जो दो, दो चार छः दस लोग अगर करना चाहते हैं तो उस पर बैठ कर करेंगे और मैं सब्सक्रिप्शन भी ले लूंगा या जो कुछ भी होगा एक पर्टिकुलर इन सब चीजों का और आपको दिखा दूंगा क्या है कैसे काफी हाँ डेफिनेटली होता है बट पाइथन इतना नहीं कि आपको पाइथन सीखना पड़े ठीक है ओके। आप बनी बनाई बस... आ, मतलब कि स्क्रिप्ट और चीजों को इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आ... भी हाँ उसके लिए आपको पाइथन एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है नेटवर्क ऑटोमेशन एस या, या इन सब कॉन्सेप्ट में आप जा रहे हो तो इस पर मैं दो तीन घंटे का सेशन नेटवर्क विथ पाइथन विथ ऑटोमेशन इन सारी चीजों पर ला रहा हूँ आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा आप देख लेना तीन घंटे दो घंटे चार घंटे मतलब को कितना लंबा कैसे काम करता है एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए अगर पार्ट बाई पार्ट बनाने को मिला तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा दो तीन पार्ट बना दूंगा दो दो तीन तीन चार चार घंटे का राइट वो रहेगा तो आपको पाइथन नहीं सीखना है मुझे भी पाइथन उतना वो नहीं आता है मैंने पाइथन पर दस पंद्रह बीस लेक्चर लिया हुआ है एक लेवल का कैसे काम वो, वो भी हम लोगों ने तब सीखा था जब ऑटोमेशन uh, हम लोग कर रहे थे मतलब आईओटी uh, पढ़ रहे थे टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन के आसपास तो उस समय के हिसाब से हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर आईडी पर काम और सारी चीजें किया था तो आज उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस माइनस इन सब ऑटोमेशन वगैरह के साथ एस वगैरह के साथ मिल जाता है जब हम नेटवर्किंग के साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं कुछ काम करते हैं राइट बट आपके पास बना बनाया सारा कुछ होता है जस्ट ऑटोमेट करने आना चाहिए काम कर मतलब स्क्रिप्ट को डिप्लॉय करने आना चाहिए उन सारी चीज़ों को सिंपल ठीक है जैसे आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो नो नीड टू क्रिएट अ टूल ओके बने बनाए चीजें आपको उसको इस्तेमाल करके उसका यूटिलाइज कर मतलब कि उसका पर्टिकुलर यूज करके उसका काम लेने आना चाहिए है ना चीजें हैं ओके तो उसी बेस पर उसका बेस इस्तेमाल है क्लियर है यस yes, यस yes, बाकी आप सीख जाते हैं तो वो तो एक अच्छी बात है कि आपको बट हर चीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे या कोडिंग में जाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो ज्यादा समय लेगा कोडिंग सिंपल एक महीने दो महीने में नहीं समझ में आएगा 1 2 महीने में तो आप पैनल नहीं समझ पाएंगे किसी भी प्रोग्राम के अच्छे से है ना ये सब है बट बहुत इजी है पाइथन तो बहुत इजी है सारी लैंग्वेजेस और सारी चीजों से ओके okay, आते अपने पॉइंट पर एजेंडा के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर एक वर्ड आया विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा प्लानिंग तो मैंने इस वजह से यहाँ पर ऐड कर दिया ऐसा नहीं कि इंफ्रा प्लानिंग एज ए बिगनर लेवल पर आप बहुत सीरियस हो जाओ इसको लेकर है ना एज एंट्री और इन सारी चीजों पर एक पर्टिकुलर समय पर टीम के साथ ये काम करने में मजा आएगा नेक्स्ट थिंग थोड़ा सा हम लोग इंफ्रा प्लानिंग में हम लोगों ने यहाँ पर यह सोचा कि हम लोग तीन चार साइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक एक्स साइट है एक वाई साइट है तो कहाँ पर डीसी कहाँ पर सीडीसी डीसी सी डीसी के दो साइट क्यों इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं ये सब चीजें हमें थोड़ा सा इंफ्रा लेवल की डिटेल्स देने में हेल्प करेंगे राइट तो मैं ऐड कर रहा हूँ सिंपल आ, नहीं कि बस ए या एक्टिव डायरेक्टरी को समझा दूँ तो कोशिश करूंगा सारी चीजें ऐड करें नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाएगा इंस्टॉलेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप्स ये हर एक को एंट्री लेवल की जॉब के साथ या एक एडमिन लेवल की जॉब के साथ काम करना पड़ेगा लाइक यूजर क्रिएट करने के रिगार्डिंग यूजर क्रिएट करना है ग्रुप क्रिएट करना है यूजर को ग्रुप में ऐड करना है है ना या फिर कंप्यूटर्स वगैरह का नेटवर्क या कंप्यूटर्स वगैरह के अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करने हैं तो ये सब ऑब्जेक्ट हैं दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर ये तीन ऑब्जेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है रेस्ट आप यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट के बारे में यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विच इज ओ ठीक है तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ट इसको बोला जाता है सो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अनदर थिंग आप यहां पर एज अ सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के बारे में हम लोग देखेंगे दो टाइप्स के ग्रुप यहां पर मिलेंगे और इनके लेबल अलग अलग होते हैं बट अकॉर्डिंग टू एम सी एस से हम लोगों का सिक्योरिटी ग्रुप लेकर चलना होता है और ये सारी चीजें हैं ओके okay. तो सिक्योरिटी ग्रुप एज अ एक्टिव डायरेक्टरी के साथ आप इंटीग्रेट करते हो या यूज करते हो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स वगैरह जरूर इस्तेमाल होता है जब आप मेल सर्विसेज वगैरह को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट करेंगे ये सारी चीजें तो ये है क्योंकि अगर आप आगे डिस्कस करेंगे दोनों में uh, क्यों हमें सिक्योरिटी लेकर चलना होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के साथ अनदर थिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे लाइक like, uh, एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी एडमिन सेंटर को लेकर एडमिन सेंटर एक कंसोल बोल सकते हैं जहाँ पे सिंगल डैशबोर्ड से एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यूआई हमें मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क को मैनेज हैंडल करने के लिए तो इसको हम लोग देखेंगे एंड डिफॉल्ट पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे चाहे वो हमारे डोमेन्स के रिगार्डिंग हो या फिर वो हमारे किसी सब डोमेन के रिगार्डिंग हो या फिर हमारे क्लाइंट के लिए जो भी हमारे कंप्यूटर साइड हो रहे हैं उनके लिए हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर यूजर्स या ग्रुप्स के लिए डिफॉल्ट पॉलिसीज जनरेट होते हैं ठीक है तो ये सब हम देखेंगे बहुत इजी है ये बहुत इजी सारी चीजें हैं बट ये हमें देखना होता है एंड अब यहाँ पर हमारे पास इन इन सब ऑब्जेक्ट के साथ पहले देखें और फिर आगे इनके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे राइट तो एक इंफ्रा प्लानिंग के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर लूंगा मान लिया कि हम लोग ले लेते हैं एक सिंपल सीखो लाइव डॉट कॉम एक डोमेन मुझे प्लान करना है ठीक है तो ये कोई भी एक नेम हो सकता है और मैं इंस्टेड ऑफ सीखो लाइफ डॉट कॉम डोमिन लाइक कॉन्फ्लिक्ट करेगा ये नाम ऑलरेडी इंटरनेट पर है तो मैं एक फ्रेश नेम कुछ ऐसे लेता हूँ जो कि uh, ऐसे रहे माई लैब एंड डॉट इन करके माई लैब डॉट इन सिंपल पता नहीं ये नो ये अवेलेबल है कि नहीं इंटरनेट पर बट आई थिंक जानने में तो ये लग रहा है कि नहीं होगा या एक्सवाई जेड डॉट कॉम या एक्स वाई जेड डॉट इन कुछ भी आप ले लेते हो डॉट कॉम डॉट इन और डॉट को डॉट इन ये क्या है इस तरीके के नाम और ये सारी चीजें या टॉप लेवल रूट लेवल इन सब डोमेन्स का मतलब क्या है एक बार गूगल भी कर लेना कोई वीडियो से देखना कि डॉट इन कब लेते हैं डॉट कॉम कब लेते हैं है ना तो आपको हेल्प मिलेगी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं बता दूंगा आगे चल के बट ये हमारे पास एक माइलैप डॉट इन करके एक इंफ्रा है समझ लो तो इसके लिए सिंपल हम यहां से क्या करते हैं एक पूरा का पूरा इंफ्रा ले लिया मान लिया कि ये हमारे पास एक कंप्लीट इंफ्रा है दिस इज क्या ये यह यहां से कहीं से कहीं से इसमें टेक्स्ट ऐड हो जाता था यहां कहीं बट ये सपोर्ट नहीं कर रही थी तो हमारा मान लिया कि ऑर्गेनाइजेशन है मैं इसको इन शॉर्ट लिख देता हूं ऑर्गेनाइजेशन अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कुछ सर्वर चाहिए थे तो मैं यहां पर चार ब्रांचेज ले लेता हूँ ठीक है मैं रिक्वायरमेंट यहां पर मैं माई लैब डॉट इन और इसके साथ मैं यहाँ पर चार लोकेशन ले लेता हूँ है ना या फोर साइट्स अब ये साइट मैंने यहाँ पर क्यों दिया क्योंकि सर्वर के अंदर आप साइट्स ही क्रिएट करोगे अलग अलग सर्वर को या अलग अलग ब्रांचेज और इन सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए तो फोर साइट्स हमारे इधर हो जाएंगे या दस कर लो आप है ना बट चार भी मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ऐड कर दिया तो मैंने तीन चार सर्वर इसीलिए इंस्टॉल किया था बस इस लैब को दिखाने के लिए उसके बाद हमें एक ही सर्वर की जरूरत पड़ेगी राइट तो फोर साइट्स मैंने ले लिया या फोर ब्रांच आप यहाँ पर बोल सकते हो चार ब्रांच या ऑफिस जो कुछ भी है जिसके अंदर हमारे पास आ, होने वाला है साइट ए साइट ए विच इज एचओ ये हमारा क्या है हेड ऑफिस है एच यू एंड साइट वन मैंने लिखा हुआ है अब साइट ए साइट बी ऐसे कर सकते हो थोड़ा सा और सही रहेगा एंड साइट बी अनदर साइट सी एंड एक और साइट हम लोग ले लेते हैं साइट डी तो जितनी भी यहाँ पर साइट मैंने लिया एक हेड ऑफिस है और एक ब्रांच ऑफिस है ये ब्रांच ऑफिस को मैंने बी ओ लिख कर एड किया हुआ है फिर हम लोग डी साइट ले सकते हैं चलो ठीक है इसको भी हम एक ब्रांच ऑफिस ही ले लेते हैं या साइट ए टू साइट बी साइट बी टू साइट सी कनेक्टिविटी में हमें हेल्प करेगा साइट टू साइट कनेक्टिविटी बट साइट किस लिए बनाई गई है अलग अलग ब्रांच के लिए बनाई गई है हम लोग साइट बी ले लेते हैं लाइक हेड ऑफिस हेड ऑफिस के लिए ही है ना एंड सब डोमेन के लिए आप देखो मैंने क्योंकि तीन ब्रांचेस बनाने से क्या बेनिफिट है मैं एक हेड ऑफिस लेता हूँ उसका सब डोमेन ले लेता हूँ राइट तो अब ये एचओ सब डोमेन अब ये क्या करेगा हमारे मेन साइट जो हेड ऑफिस का सर्वर है ये हमारा क्या होगा ये मेन सर्वर होगा अभी तो मैं मेन लिखता हूं मैं अगर यहाँ पर रूट लिखूंगा रूट डोमेन ऐसा कुछ तो शायद उतना टेक्निकल आपको या उसका उतना समझ में नहीं आएगा बट यहाँ पर इतना समझो कि रूट या मेन सर्वर ये वही होता है दिस इज द मेन सर्वर ये सब डोमेन है और इधर हमारे क्या हो जाएंगे चाइल्ड चाइल्ड सर्वर आ जाएंगे मतलब बच्चे फादर उसके नीचे बच्चे और ये सारी चीजें होती है ठीक है तो ऐसे ही हमारा समझ लो कि ये चाइल्ड का मतलब उसी कॉन्सेप्ट में लिया गया है और अनदर हमारे पास एक और वो है जो कि ये भी चाइल्ड डोमेन हमारा हो सकता है अब जरूरी है कि मैं दोनों चाइल्ड डोमेन इंस्टॉल करूं एक इंस्टॉल जैसे होगा वैसे दो तीन चार दस बीस पचास जितने आप करना चाहते हैं कर सकते हैं तो इस तरीके का इंफ्रा यहाँ पर एक मैं लेने वाला हूँ अब ये चार डोमेन अब जरूरी नहीं है कि हमारे एक ही लोकेशन पर हो मेरा ए और बी साइट ये साइट बी नहीं बोलेंगे साइट ए अब इसको बोल देंगे क्योंकि यही तो प्लान हो रहा है ए का ही ये सब डोमेन है तो बी साइट में सब डोमेन हम कहां से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा तो मैंने साइट ए का दो सर्वर साइट ए पर दो सर्वर इंस्टॉल किया है वन सर्वर इज मेन सर्वर अनदर सर्वर सर्वर इज बैकअप सर्वर ऑफ मेन सर्वर क्लियर है सबको ऐसे ही कुछ करी जाती है, हम इस तरीके से करें अब सीधे हम सर्वर बना कर नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते हमें एक पर्टिकुलर प्लानिंग इंफ्रा डिजाइन करना होता है टोपोलॉजी लेना होता है सो दिस इज द टोपोलॉजी अगर मैं इस तरीके का कहीं काम करके अपने हेड ऑफिस में ये टोपोलॉजी का डायग्राम या कहीं उस रैक के अंदर कहीं पर एक रैक के अंदर बहुत सारी बहुत सारे प्लेसेस होते हैं बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पर टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर लगा दिया जाता है नहीं अगर लगाया जाता तो ये चीजें आ रही हैं टैगिंग वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा सौ केबल गई हैं सर्वर रूम से सौ केबल पर टैग लगाया जाता है कि कौन सी केबल किसके लिए कनेक्टिविटी करी जा रही है ठीक है और इसके लिए कोई इमेज के थ्रू मैं आगे चल के समझाऊंगा बट ये समझो कि ये एक टोपोलॉजी डिजाइन हो रहा है टोपोलॉजी इस इस तरीके से भी डिजाइन होता है है ना सिर्फ कंप्यूटर कहाँ प्लेस करने हैं वो सब टोपोलॉजी जो नेटवर्किंग है उधर हम पढ़ते हैं उस लेवल का वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो तो उसमें जस्ट हम लोग आइडिया लेते हैं कि ऐसा बन गया तो ये नाम दे दिया गया ये कंपनी के अंदर आप जरूरतें पूरी करते हो और एक टोपोलॉजी अपने वहां बन जाती है। और उस में प्लानिंग हमें करनी होती है कि हमारा सिक्योरिटी कितना तो इंटीग्रेट कैसे करनी है कि वो प्रॉपर काम करे इन साइड साइड ट्रैफिक कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो सब कुछ जब आप एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो ना उसके साथ प्लान करते हो टोपोलॉजी प्लस माइनस भी होती है समझ रहे हैं ना सब लोग तो ये मैंने जस्ट इस तरीके से ले लिया चाइल्ड सर्वर या चाइल्ड डोमेन एक ही चीज होता है ठीक है तो ये मैंने चार साइट लिया हुआ है मतलब चार सर्वर यहाँ पर मुझे चाहिए तो मैं एक काम करता हूं यहां से एक सर्वर ले लेता हूं लाइक कोई भी एक सर्वर ये एक सर्वर जैसा कुछ या फिर शेप हो गया डिवाइसेस फ्रेम हो गए इमेजेस मुझे यहां से लेने होंगे ओके ओके तो ये सिंपल हमारे पास एक सर्वर आइकन है जस्ट मैंने ये अपने हेड ऑफिस लोकेशन पर इंस्टॉल किया दिस इज आर सर्वर ओके अब मुझे और भी कुछ प्लान करके चलना है जैसे मैं एक एक ये प्लानिंग कर लिया यही हम मेन सर्वर ले लेते हैं दिस इज माय मेन सर्वर ठीक है ये इमेज का ये इमेज ऐसे ही मैं बना बनाया सारा कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर दूंगा हेल्पफुल रहेगा तो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर uh, को हम लोग ऐड कर लेंगे एज अ प्राइमरी या मेन सर्वर ठीक है तो मैं इसको एक नेम दे देता हूं लाइक मेन सर्वर अब मेन सर्वर की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं रूट या फिर पेरेंट डोमेन ठीक है इंडस्ट्री में आपको इस नाम से मिलेगा रूट या पेरेंट डोमेन तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा इस पर हमें क्या इंस्टॉल करना है इस पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करना है एडीडीएस रोल हमें इस पर मैनेज करना है दिस इज द प्राइमरी सर्वर जो हमारा पहला सर्वर होता है विच इज रूट सर्वर वो क्या हो है हमारा रूट सर्वर है इट may be पेरेंट सर्वर इसको ये भी नाम से बोल सकते हो एंड दिस इज आर हेड ऑफिस हम लोग ये ये कहाँ पर सेटअप करने जा रहे हैं इन आर हेड ऑफिस अपने एच ओ साइट पर इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं एच ओ साइट पर तो ए डी डी एस रोल हम लोग यहाँ पर प्रमोट करेंगे बट इसके लिए हमारे पास नेटवर्किंग का भी काम होगा इसीलिए मैंने कहा कि सिंगल एक पर्टिकुलर कोर्स से हमें सारा आइडिया नहीं लगता बट एनफ है आप काफ़ी चीजें सीख जाएंगे नेटवर्किंग अगर आपको आता है तो हम सबको पता है कि हमारे सर्वर से जो कुछ भी है इनको आईएसपी की हेल्प से आप आईपी दो या एक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग देना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो मैंने वन टू वन सिक्सटी एट हंड्रेड डॉट वन दे दिया और ये हमारे इस सर्वर का आईपी है नॉट वन हंड्रेड डॉट हंड्रेड मैंने कर दिया हंड्रेड डॉट हंड्रेड हंड्रेड ठीक है ये हमारे सर्वर का आईपी हो गया इसका सबनेट मास्क एक हो जाएगा सबको पता है सबनेट मास्क अब जब भी डोमेन लेवल पर आप काम करेंगे मास्क वगैरह पूरा लिखेंगे अंडरस्टूड नहीं रखेंगे क्योंकि जब आप इसका प्रिंट तैयार करो तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने स्लैश ट्वेंटी फोर डिफॉल्ट मास्क लिया है या क्या लिया हुआ है कभी कभी सबनेटिंग भी जब भी इस लेवल पर करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता तो ये हमें हेल्प करेगा चीजों को आइडेंटिफाई करने में दिस इज अउटर आई डी है ना ये हमारा क्या हो सकता है राउटर आईडी हो सकता है राउटर आईडी अगर प्राइवेट में बस काम करना है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो अनदर जब भी हम एक डोमेन रन करते हैं तो क्या बिना लाइक डी डीएनएस के हम एक डोमेन सर्वर या एक सर्वर रन कर सकते हैं नहीं ना डोमेन क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हमारे पास एक डीएनएस सर्वर होना चाहिए आपने देखा होगा इंटरनेट जब आप रन करते हो इंटरनेट ऑपरेट करते हो इंटरनेट चलाने के लिए डीएनएस आईपी या डीएनएस एड्रेस देना जरूरी होता है आईएसपी के अकॉर्डिंग तो हमें आईएसपी का एक डीएनएस एड्रेस देना होता है ताकि हम नहीं तो कई बार वेबसाइट को रीच करते हैं तो वेबसाइट से हमें रिस्पांस क्या आता है कि डीएनएस डीएनएस अनरिचेबल या व्हाटएवर तो वो चीज हमें परफेक्टली पिंग करके नहीं देता है तो डीएनएस आईपी आप अपने डोमेन का दे देंगे क्योंकि जब आप इस डोमेन के साथ अनदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे इट मे बी कंप्यूटर अनदर डोमेन कंट्रोलर तो वो एक डीएनएस रिक्वायर्ड है उनके लिए डीएनएस की रिक्वायरमेंट है एंड दिस डीएनएस आई पी कैन हेल्प टू रिसोल्व द्वेरी डीएनएस क्या करता है रिजोल्व करने में जो भी क्वेरी आ रही है जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका आंसर करने में हेल्प करता है सो डीएनएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर डीएनएस मिसिंग है तो सर्वर समझो एक डब्बा है ठीक है अभी के लिए अब कुछ सर्विसेज में काम करेगा बट फॉर एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेज डीएनएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डीएनएस आईपी हमारे प्राइमरी डीएनएस में होना चाहिए तो ये डीएनएस का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम अदर सर्वर के साथ और डीएनएस की क्वेरी हमारे इस सर्वर तक आएगी कैसे ये सब देखेंगे मैं अब यहाँ पर ये यह प्लानिंग कर लिया एंड इसका नाम हमें क्या देना जब हम एक एक्टिव डायरेक्ट डोमेन सर्विसेस इसको इंस्टॉल करेंगे इसको देंगे तो हमें यहाँ पर एक नाम देना पड़ेगा एंड उस नेम को मैं यहाँ पर जस्ट माई लैब डॉट इन कर दूंगा दिस इज माई लैब डॉट इन ये हमारा माई लैब डॉट इन हो जाएगा ये हमारा मेन सर्वर हो गया क्लियर है अब मुझे एक और ब्रांच चाहिए होगी और उस ब्रांच पर मुझे बी साइट चाहिए होगी जो कि साइट ए साइट ए का ही एक अनदर सर्वर अगर मुझे लेना है तो मैं बिल्कुल ले सकता हूँ मैं इसको कर देता हूँ या मैं ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं इसको थोड़ा सा और ये हमारा एक और मैं इसका कॉपी कर लेता हूं और हमारे पास इससे कनेक्टेड एक और डोमेन हमारे पास आ गया ठीक है सो आई कैन यूज अनदर सर्वर विच इज माई लैब डॉट कॉम आप कहेंगे माई लैब डॉट कॉम दो कैसे हो सकता है हो जाएगा जब इसकी कॉपी हम या क्लोन सर्वर प्रिपेयर करेंगे अभी के लिए बस एक क्लोन समझो या इसकी कॉपी समझो ठीक है तो माई लैब डॉट कॉम या माई लैब डॉट इन या जो भी आप इसका डोमेन एक्सटेंशन देना चाहते हो उसके साथ इसको दे सकते हो तो ये भी हमारा सेम वैसे ही काम करेगा जैसा कि हमारा लाइक प्राइमरी सर्वर है जो कि काम कर रहा है तो मेरा इधर के लिए भी जो आईपी एड्रेस आएगा ना वो ऐसे ही कुछ होगा तो मैं इसके लिए ये रूट या पेरेंट डोमेन बोल सकते हैं बट इट इज अ रूट एडिशनल ए एडिशनल डीसी डोमेन कंट्रोलर ये हमारा क्या है एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है क्लियर है सबको ये हमारा एच ओ साइट है हेड ऑफिस का साइट है और ये हमारा एक एक तरीके का बोल सकते हैं बैकअप के पर्पस के लिए मैं इस सर्वर को इस्तेमाल कर रहा हूँ इधर भी हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस रोल इंस्टॉल करना है और इसका जो आईपी एड्रेस मैं दूंगा वन वन जीरो में कर दूंगा और डिफॉल्ट एड्रेस हमारा मास्क का यही होगा राउटर आईडी यही होगा डीएनएस हमें यही रखना है डीएनएस में मैंने क्या दिया अपना मेन सर्वर का एड्रेस दिया क्योंकि ये जो भी क्वेरी करेगा ना ये अपने इसके साथ करेगा अगर अभी के लिए आपने डीएनएस प्रॉपर सिंक्रनाइज या प्रॉपर कन्फिगर नहीं किया चाहे वो पब्लिक डीएनएस हो जब इंटरनेट पर आप जाएंगे रियल इंडस्ट्री में वहां पर अलग अलग डीएनएस आपको मिलेंगे सर्विस प्रोवाइडर से मिलेंगे सारी चीजें वहां पर एक नेटवर्किंग टास्क जरूर आएगा तो वो पर्टिकुलर आईपी आप यहाँ पर जब कन्फिगर करेंगे तो सभी जगह पर डीएनएस सिमिलर होना चाहिए सभी जगह पर डीएनएस एक परफेक्टली वर्क करना चाहिए ताकि डीएनएस समझ पाए कि क्वेरी कहाँ से कहाँ सॉल्व करनी है किधर रिसोल्व करनी है डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनएस सर्वर राइट जो भी क्वेरी होती है आप www.google.com सर्च करते हो अगर डीएनएस वहां पर काम ना करे तो क्या google.com या कोई भी x.yz.com सर्च कर पाएंगे इट इज नॉट पॉसिबल तो डीएनएस का एक बड़ा रोल होता है डोमेन क्वेरी में तो मैंने यहाँ से इस तरीके का सेटअप कर दिया बस इतना करने के बाद मुझे क्या करना है मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर लेता हूं लाइक थोड़ा सा इधर और मुझे एक और सर्वर प्लान करना है जो कि मैं चाइल्ड डोमेन के लिए लेकर जाने वाला हूँ तो चाइल्ड डोमेन के लिए मैं एक लाइक अनदर टाइप ऑफ सर्वर ले लेता हूँ जो कि मेरे पास ये मैं भी एक आ गया मे बी एक साइट पर मेरा ये सर्वर रन होगा एक ये हो गया और एक अनदर अगर मैं चाइल्ड ही ले रहा हूँ तो सेम आइकन ले लेता हूँ ये काफ़ी हेल्प करेगा अब ये दो अनदर हमारे पास आ गए अब ये दोनों सर्वर हमारे क्या होंगे कनेक्ट होने चाहिए थ्रू नेटवर्किंग और थ्रू डायरेक्ट केबल अगर हम लोग अभी यहाँ पर हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन मैं करके दिखा देता हूँ जैसे यहाँ से इसके साथ एक कनेक्टिविटी हो गया अनदर हमने यहीं से एक कनेक्शन इसके साथ कर दिया ये हमारे दोनों इधर कनेक्टेड है तो अब इसके लिए जो हमारा प्लानिंग होगा इसके लिए जो भी आईपी एड्रेस होगा अब यहाँ से हम लोग ये ऐड कर सकते हैं इट इज अ चाइल्ड डोमेन अब चाइल्ड की प्रॉपर्टी मैंने नहीं समझाया चाइल्ड की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एक एक करके डिस्कस करेंगे ओके आफ्टर प्लानिंग दिस टोपोलॉजी एक एक करके डिस्कस करेंगे तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर ये हो जाएगा इसको इन शॉर्ट बोला जाता है सी डी सर्वर ओके और ये हमारा क्या है एक तरीके का लाइक ब्रांच ऑफिस है ब्रांच ऑफिस के लिख देता हूँ लिख देता हूं एस रोल इधर भी इंस्टॉल करना है इंस्टॉलेशन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल का ही होना है बट यहां पर जो मेरा आईपी एड्रेस होगा वो वन ट्वेंटी में कर दूंगा और डीएनएस uh, और सारी चीजें सेम रखेंगे इससे क्या होगा कि ये भी क्वेरी हमारे इधर माई लाइव डॉट कॉम के साथ काम करेगा बट इसका नाम क्या होगा फिर ये माई लाइफ डॉट कॉम बन गया ये माई लाइफ डॉट कॉम बन गया तो इसका क्या बनेगा कोई बताएगा सर्वर नेम डॉट माई डॉट तो सर्वर नेम दे देंगे कोई भी एक नाम हो सकता है अब मान लिया कि ये सर्वर हमारा एस आर वी टू कर दिया ठीक है एस आर बी टू एस आर बी टू अब इस तरीके से अगर एक्सटेंशन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है यहां पर आप चाइल्ड लिख देना थोड़ा और इजी करने के लिए चाइल्ड वन चाइल्ड टू डॉट माई लैब डॉट और माई लैब डॉट जो भी देना ठीक है ऐसे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज है मतलब माई लैब डॉट के अंडर चाइल्ड है तो चाइल्ड नेम के साथ देखो सर्वर का सर नेम लगा हुआ है ये समझो कि एक एक सन है मतलब एक फादर है उनका नाम है रोहन शुक्ला अब एक और पर्सन उसके अंडर में या उसका बच्चा है तो फिर उसका नाम क्या होगा कुछ भी होगा एक्स वाई जेड बट सर नेम शुक्ला उसके साथ ऐड हो जाएगा गेटिंग माई पॉइंट तो जो हमारे पेरेंट नेम है ना जो हमारे पेरेंट सर्वर है उसका नाम लास्ट में ऐड रहेगा उसके पहले आप अनदर सीसीडीसी बना लो चाइल्ड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना लो विच इज ग्रांड चाइल्ड डोमेन कंट्रोल इट मे बी जीसीडीसी बहुत सारे ऐसे ब्रांच मतलब अंडर टू अंडर 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 ऐसे सर्वर बनाए जा सकते हैं उसके अंडर में उसके अंडर में बट नाम सर्वर का हो जाएगा प्लस अपर पेरेंट डायरेक्टरी वहां पर आ ही जाएगी पेरेंट नेम वहां पर एड हो ही जाएगा अब क्या हम अपने एस टू डॉट माई डॉट कॉम के अंदर में एक और सी डी सी बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं और ब्रांचेज इसमें बना सकते हैं कैन वी क्रिएट एडिशनल इंपॉर्टेंट रोल इधर चल रहा है अगर ये डाउन हो जाएगा तो यहाँ की सर्विसेज़ बिजनेस बहुत बड़ा लॉस होगा तो यहाँ पर एक एडिशनल डोमेन लगाया जाता है कि हमारी सर्विसेज दोनों सर्वर मिलकर काम करें समझ रहे हैं आप लोग yes. मेरे पास एक और डोमेन है ये हमारा सी डी सी ये ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी डी सी वन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी डी सी टू चाइल्ड डोमेन टू इसका आई पी एड्रेस मैं कर दूंगा वन थर्टी बाकी सब कुछ सेम है बाकी तो सब सेम है और ये भी ब्रांच ऑफिस तो ये ब्रांच ऑफिस क्या है अब देखो यहाँ पर ब्रांच ऑफिस मीन्स ये हमारा साइट सी है और ये हमारा साइट कहा जा रहा है साइट डी ठीक है डी ले लिया बाकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ ऐसे है तो इसका नाम क्या होगा अब मान लिया इस सर्वर का नाम है एस आर वी थ्री तो इसका नाम हो जाएगा एस आर वी थ्री या C3 कर दो चाइल्ड टू कर दो चाइल्ड थ्री कर दो जो भी आप नेम करना चाहते हो कर सकते हो इस तरीके से प्लान कर लेंगे और फिर आपका एस आर वी थ्री डॉट माई लैब डॉट इन करके हो जाएगा अगर मैं इसके अंडर में बनाऊंगा तो एस आर वी थ्री डॉट एस आर वी टू डॉट माई लैब डॉट इन करके होगा क्लियर है एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इसका इसका बनाओगे तो इसी नाम से वो भी बन जाएगा क्लियर है तो ये एक पर्टिकुलर प्लानिंग होती है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को लेकर या फिर एडीडीएस डी डी के आ पर्टिकुलर लाइक इंफ्रा को लेकर तो ये चार सर्वर हमें कनेक्ट करने हैं फिर हमें पहले इंस्टॉल क्या करना है माई लैब डॉट इन और इसको फिर हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंडर में अगर कोई सर्वर है तो दोनों के बीच में प्रॉपर्टीज का क्या डिफरेंस आ रहा है क्या सारी चीजें आ रही हैं ये सब तो अब हम लोग यहाँ से आ, स्टार्ट करेंगे लाइक सर एक डाउट था सर हाँ हाँ सर थोड़ा स्क्रोल अप कीजिए ना सर वो फर्स्ट वाला डायग्राम हाँ यहाँ पे जो आपने फर्स्ट डोमेन फर्स्ट ये सर्वर क्रिएट किया है आ, हुँ, देन हुँ, सेकंड 100.1.1.0 इसको हम अल्टरनेट डीएनएस करके भी यूज करेंगे ना आप अल्टरनेट डीएनएस में कोई अल्टरनेट डीएनएस डाल सकते हैं नो नो सर मींस अगर मेन सर्वर अगर कभी डाउन होता है तो सेकंड अल्टरनेट कौन सा है फिर मतलब सेकेंडरी डीएनएस अपना आप सेकेंडरी डीएनएस इस सर्वर का ऐड कर सकते हो या स... वो एज अ सेकेंडरी डीएनएस वर्क करेगा यस या फिर कोई पब्लिक डीएनएस ऐड कर सकते हो आईएसपी का ऐड कर सकते हो है ना मतलब गूगल का भी डाल सकते हो गूगल का भी डाल सकते हैं क्योंकि गूगल सबके साथ पिंग करता है ना

किस टाइप का बैकअप अब ये डिपेंड करेगा ठीक है क्या बैकअप लेना है किस पर्टिकुलर सर्विस का बैकअप लेना है ओके okay? ओके जैसे कि बैकअप में अब ऐसा है कि स्टोरेज का बैकअप है एडी का बैकअप है या किस टाइप का बैकअप है एग्जैक्टली exactly, डीएनएस का डीएससीपी का तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी सर्विस का बैकअप प्लान करना है उसके लिए हमारे किस सर्वर को देना है अब हम बैकअप अपने चाइल्ड सर्वर का एडी को नहीं देंगे है ना रेयरली ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है बट मे भी कभी अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं मतलब कि अगर बैकअप हमें प्लान करने की जरूरत पड़ रही है वी कैन प्लान अनदर टाइप ऑफ सर्वर और अनदर वन सर्वर या फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं मान लिया कि मुझे इसका एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेस के अंदर जितना डेटाबेस है एक हजार यूजर का डेटाबेस है उसका बैकअप लेना है तो हम क्या करेंगे इसके बैकअप के लिए एक अब वो डिपेंड करता है कि, कि स्टोरेज के अंदर हम इसका लाइक स्टेट बैकअप ले लें है ना एक सिस्टम स्टेट बैकअप होता है जिसके अंदर रेडी का बैकअप आपका कहा जाता है तो किस टाइप का बैकअप लेना उस हिसाब से हम फिर प्लानिंग करते हैं कि हमें ये बैकअप रखना कहाँ है, है ना या इसका एक सर्वर टू सर्वर बैकअप लेना एक चाइल्ड हाँ सर्वर भी हो सकते हाँ वही है डाउन हो सकता है तो, हाँ, तो इसीलिए मैंने बताया ना कि आप यहाँ पर भी बना सकते हो मैंने इसीलिए पूछा कि कैन वी एड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फॉर एस आर वी टू डॉट माई लैप डॉट इन तो ये yes, हम लोग बना सकते हैं मल्टीपल बना सकते हैं राइट ओके okay, मींस uh, जो पहले माई लैब हंड्रेड का बना है उनका हाँ बैकअप सर्वर हमने हंड्रेड डॉट वन वन जीरो किया सेम लाइक इसका भी कर सकते हैं हाँ चाइल्ड डोमेन का भी ओके ठीक है ओके okay. 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 तो अभी आ, किसी ने जो भी आप रितेश एंड अनदर कोई बैकअप प्लानिंग या संदीप आप बताएं कुछ बैकअप प्लानिंग को लेकर आप लोग आ, किस टाइप का या अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या एनवायरनमेंट नहीं मिला तो नहीं मिला तो कोई वो नहीं है अगर है तो फिर मान लिया एक एक सर्वर है और वो डाउन हो जाए तो उसके लिए क्या बैकअप सोल्यूशन लेकर चलते हैं यू uh, जैसे हमारा एक माई लैब डॉट इन है yeah. अभी ए, एक यूजर की क्वेरी भी थी अगर ये हमारा डाउन हो जाए तो हमारे पास एक सेम माई लैब डॉट इन है तो एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ये मैंने यहाँ पर ऐड किया तो इंडस्ट्रीज के अंदर अगर अगर हमारा एक है अगर उसका वो डाउन हो जाए तो उससे जो भी यूजर को सर्विसेज मिल रही हैं उनको देने के लिए किस टाइप का बैकअप है, चलते हैं तो पर uh, यूजुअली तो uh, हम लोग दो डोम रखते अवेलेबल ओके okay. राइट। right. so, additional... तो एक एडिशनल सर बैकअप प्लान हमेशा रखना ही पड़ेगा इट हाँ हाँ राइट एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो बैकअप सिस्टम जो हमारा रहता है तो उसमें आ, uh, आपके सर आ, uh, आ, uh, वो माइक्रोसॉफ्ट uh, uh, के वीडियो देखे थे आपके बैकअप के एक्टिव डायरेक्टरी का तो एक्टिव डायरेक्टरी को बैकअप लेने के लिए सॉलिड uh, प्लानिंग uh, uh, चाहिए कि अच्छे से उसका बैकअप लेना है सिस्टम स्टेट का और और बेर सर्वर मेटल राइट बेयर मेटल बैकअप तो वो दोनों सॉलिड चाहिए अपने पास अदर अदर आइदर यू हैव वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और यू हैव अ फिजिकल सर्वर राइट हाँ सो यस यस बैकअप का भी बैकअप उसका भी बैकअप यस yes, यस yes. तो बैकअप वही मैंने कहा कि बैकअप के लिए हमें क्या करना होता है देखो जो भी सारी चीजें अब ये क्वेरी मैंने इसलिए किया कि आप लोग ये समझ लो कि जो भी चीजें यहाँ प्लान कर रहे हो जस्ट ये सेम सेम बिल्कुल थिंग आपको इंडस्ट्री लेवल की प्लानिंग है ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एडीडीएस बनाकर उसके अंदर यूजर बनाया दस बनाकर दिखा दिया रिसेट करना बता दिया ऐसा बट यूज कहा करना है कैसे क्या है सीनेरियोज नहीं समझ में आ रहा है अगर इसके बाद भी आप नहीं समझ पाते हो तो फिर कहीं ढूंढना यूट्यूब पर ऐसा मतलब एक एक पिन करते हुए सारी चीजें नहीं मिलने वाला है राइट ये सब है ओके अभी बैकअप का समझ में आया कि बैकअप हमें किस लेवल का लेकर जाना है तो बैकअप के लिए हम लोग बैर मेटल भी आगे करेंगे सिस्टम स्टेट भी लेकर चलेंगे या फिर अनदर किसी टाइप का इमेज वगैरह कुछ लेकर चलना है या सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर डीएनएस का है तो उसके लिए क्या हम लोग सोल्यूशन लेते हैं डीएससीपी का बैकअप या कोई सोल्यूशन लेना है तो क्या लेते हैं स्टोरेज का क्या लेना है हर एक पर्टिकुलर सर्विसेज का नेटवर्क इंटरफेसेस के बैकअप लेने हैं मान लिया हमारा डीसी सर्वर है कोई वेबसाइट चल रही है डाउन हो गया एक इंटरफेस एक लाइन डाउन हो गया तो फिर कैसे काम करेंगे है ना या हमें बैंडविड्थ चाहिए लाइक 500 एमबीपीएस की या 1000 एमबीपीएस की और हमारे पास जो एक्स आईएसपी है उसने सिर्फ 200 एमबीपीएस मैक्सिमम दे रखा है लीज सेटअप या एक डेडिकेटेड लाइन तो फिर हम क्या कर सकते हैं क्या हमें एक हजार एमबीपीएस नहीं मिलेगा तो हम कैसे पांच कनेक्शन को एक साथ कंबाइन करके वो बीपीएस ले सकते हैं ये भी एक एक सोल्यूशन एक ही है ना बैकअप टाइप का कि एक डाउन हो जाए दो डाउन हो जाए तो भी हमारा काम चलता रहे मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स होते हैं राइट right? क्लियर है सही है अगर, अगर रियल टाइम अगर रियल टाइम पिक्चर दिखाना है तो कभी भी आ, हम लोग आपके पास जब टाइम है यू नो आई कैन जस्ट डू समल इंडस्ट्री बता रहे जानना है तो ये सारी चीजें हैं और इसको जब आप प्रैक्टिकली अभी हम लोग प्लान करेंगे ना तीन चार सर्वर के साथ सब आपको क्लियरली क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम बनाते हैं फिर कैसे सर्विस लेवल चेक करते हैं साइट वगैरह कैसे वो करते हैं साइट आ, वैसे मतलब बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस ही जाएंगी एम सी एस से या इस सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपका ए डी डी एस रोल पर माइनर काम और सारी चीजें होती हैं बट ये पूरा प्लानिंग के लिए हमारे पास एक परफेक्ट मशीन और सारी चीजें हो, होंगी और हम फिर

मतलब एक फादर है तो उसका एक चाइल्ड है तो चाइल्ड भी कभी फादर बनता है है ना बट जो उसका फादर है वो फिर क्या हो जाएगा उसके बच्चे का ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा है ना तो ये एक लेबल चलता रहता है उसका एक लेबल है वो बट काम जो उसका था वही उसका है वही उसका है वो भी अपने फैमिली को पालेगा देखेगा सारी चीजें करेगा जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो देखेंगे उसके गाइडेंस में वो है उसके गाइडेंस में वो है ठीक है ये सारी चीजें तो हर कोई एक लेवल के साथ काम कर रहा है यहाँ पर हर सर्वर का अपना कुछ काम है ये एस आर बी टू वैसे ही नहीं बनाया गया ये एक अलग लोकेशन पर जो हमारा ऑफिस है वहाँ के जो यूजर है वहाँ के जो प्रॉपर्टीज हैं डोमेन ऑब्जेक्ट हैं उनको मैनेज करने के लिए बनाया गया राइट अलग अलग लोकेशन पर ये सारी चीजें तो अब ऐसा नहीं कि आप इतना बनाएंगे तब भी इतना बनाने के लिए फिर आप एक हजार लोकेशन बनाओ है ना तो ये सारी चीजें हैं ओके तो फिर फिलहाल हम लोग इसका सेटअप पहले करेंगे या मैं जा रहा था एक्टिव डायरेक्टरी को पहले एक्सप्लेन करने बट अब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लेन अगले सेशन में करेंगे एडीडीएस या फिर जस्ट डोमेन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इसके की फ़ीचर क्या हैं फिर इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे फिर सीडीसी को डिस्कस करेंगे इसका इंस्टॉलेशन करेंगे एडीसी को डिस्कस करेंगे उसका इंस्टॉलेशन करेंगे ऐसे करके चीज़ें देखेंगे